दोस्तों, वैसे तो KGF चैप्टर 2 फिल्म को कब का रिलीज़ हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जी हाँ, वैसे अगर बात करें KGF चैप्टर 2 फिल्म के ऑफिशियल रिलीज डेट की, तो 23 अक्टूबर को इस फिल्म को रिलीज़ किया जाने वाला था, लेकिन दोस्तों फिल्म की शूटिंग ही कंप्लीट नहीं हो पाई है। इसके वजह से फिल्म रिलीज़ नहीं की जा सकी। साथ ही साथ दोस्तों लॉकडाउन और कोरोना आ गया, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो दोस्तों अब KGF चैप्टर 2 फिल्म से काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सामने, जिसको सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे और थोड़ा सा दुख भी हो जाएंगे, यानी कि दुखी भी हो जाएंगे। तो दोस्तों दरअसल अपडेट की अगर बात करें तो फिल्म की जो शूटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी नवंबर के महीने तक। जी हाँ, बीच में संजय दत्त को लंग कैंसर भी हो गया था, तो इसके वजह से शूटिंग जो है वो डिले करना पड़ा। लेकिन दोस्तों अभी खबरें सामने आ रही हैं कि फिल्म की जो शूटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी नवंबर तक। लेकिन दोस्तों वहीं अगर बात करें फिल्म के रिलीज डेट की, तो मेकर्स ने ये फैसला लिया है कि फिल्म को इस साल रिलीज नहीं किया जाएगा। जी हाँ, मेकर्स का कहना है कि फिल्म को हम 3 से 4 महीने बाद, जब शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही रिलीज करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि फिल्म को थोड़ा सा टाइम मिले, अच्छे से फिल्म की एडिटिंग हो जाए, अच्छे से फिल्म के जो थिएटर्स वगैरह हैं वो अच्छे से सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद ही फिल्म को रिलीज करें। यानी कि दोस्तों ये साफ हो चुका है कि इस फिल्म को, यानी कि KGF चैप्टर 2 फिल्म को अगले साल ही रिलीज किया जाएगा। हो सकता है कि मार्च तक इस फिल्म को रिलीज किया जाए। मेकर्स ने अभी तक कोई ऑफिशियल डेट नहीं बताई है, कुछ भी अभी कंफर्म नहीं किया है कि आखिरकार कंफर्म कब रिलीज के लिए वो लोग अनाउंस करेंगे। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से मेकर्स का कहना है, उस हिसाब से तो 3 से 4 महीने लगने वाले हैं फिल्म को रिलीज करने के लिए। तो दोस्तों KGF चैप्टर 2 फिल्म के लिए आप लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और यस के लिए और रॉकी भाई के लिए कितना एक्साइटेड हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों टॉप अप इन फैक्ट्स, ताकि बॉलीवुड की हर खबर मिले आप लोगों को सबसे पहले।